के लिए राहत लेकर आया। मौसम के जानकारों के मुताबिक इस तूफान ने जाते हुए मॉनसून को प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाके में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। हाइड्रो साइकिल क्लाइमेट वाले झाबुआ जिले में इस बारिश से तेज गर्मी से तो राहत मिली ही है, साथ ही सोयाबीन की फसल को भी इस बारिश से फायदा मिलेगा। इस तूफान की वजह से सक्रिय हुए मॉनसून का असर अगले 24 घंटों तक रहने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने किसानों से काट कर रखी गई फसल को खलिहानों तक पहुंचाने की अपील की है। तो झाबुआ में भी बारिश हुई है और बारिश से हालांकि किसानों से अपील की गई है कि जो फसल कटी हुई खेतों में रखी है उसे जल्द से जल्द खलिहानों में पहुंचाएं ताकि उस फसल को सुरक्षित किया जा सके। एशिया महाद्वीप में जो अभी साइक्लोन आया था उसके चलते ये अब हमारे भारत देश में प्रवेश किया है, जो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ उड़ीसा तट से प्रवेश किया है और मध्य प्रदेश में अब आ चुका है, जिसके कारण पिछले 12 घंटे से बारिश झाबुआ जिले में हो रही है और आने वाले भी 24 घंटे तक इसका असर बना रहेगा।